देखो, ये देखो, बिजली के पंप तमिलनाडु से कितना परसेंट टैक्स है इसमें? देखो 5%। तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि कौन सा टैक्सेबल है और कौन सा टैक्सेबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक मोटर पंप लिखा है इसमें, बैक क्वेश्चन नंबर 7 है, 80,000। सेकंड है बाईसाइकल्स, उसका अमाउंट है 3,20,000। थर्ड है ट्रैक्टर ट्रेलर्स, 2 लाख का। यहाँ पे मैंने बोला था इसको हाईलाइट करना, ये थर्ड पॉइंट इधर देखो। और यहाँ पे अपंजीकृत निर्माताओं से ट्रैक्टर्स की ट्रॉलियाँ कितना परसेंट? 5%। तो इसमें परसेंट मिसिंग है, तो आप लोग इसमें 5% ले लो। नेक्स्ट देखो, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स कितने का? 1.5 लाख। और देखो इसके बाजू में एग्जेम्प्ट भी करके लिख के दिया है, कर मुक्त, ये देखो। तो ये टैक्सेबल तो नहीं है बिल्कुल भी। फिर कितना दिया है? कंप्यूटर्स कितने का दिया है? 2 लाख का। नेक्स्ट देखो, स्कूटर क्या लिया है? तो स्कूटर के लिए देखो ₹20,000 फॉर फ्राइट 4 लाख कितने का? 4 लाख। नहीं इसमें बेटा कुछ वो देखो, ये देखो, साइकिलों पर अलग से किराया व डिलीवरी वे ₹2,000 वसूल की जो उपरोक्त राशि में सम्मिलित है। तो ये देखो जो साइकिल वाला था सेकंड पॉइंट, उसमें वो इंक्लूडेड था, इसलिए उसको नहीं ऐड किया यहाँ पे 3,20,000, क्योंकि ऐड था। अब स्कूटर्स देखो, ग्राहकों को नगद भुगतान पर ₹30,000 बट्टा दिया गया, तो 30,000 क्या दे रहे हैं उनको? डिस्काउंट। तो कितने का स्कूटर था देखो? 4 लाख। उसमें से कैश डिस्काउंट देंगे 30,000 का, तो बचेगा अपने पास 3,70,000। फिर देखो क्या दिया है इसमें, और इंटरेस्ट दे रहा है, देरी से भुगतान पर ₹1,800 ब्याज वसूला गया इसी में ही, है ना? तो प्लस 1,800, तो टोटल करो कितना आ रहा है? 3,71,800। यहां तक कोई डाउट है स्कूटर वाली अमाउंट में? हम एग्रीगेट में ये सब माइनस करके लिखेंगे वाला अमाउंट। हाँ। फिर टायर्स एंड ट्यूब्स दिया है 80,000 का। फिर स्टील फर्नीचर दिया है 1,40,000 का। ठीक है, ये वाला इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें लिखा है कि उपरोक्त राशि में सम्मिलित है, ये देखो, इंक्लूडेड इन द अफोरसेड अमाउंट। नेक्स्ट देखो, तो ये वाला फर्स्ट कितने का था? 80,000 का था। ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। फिर बाईसाइकल्स टैक्सेबल है 3,20,000। ट्रैक्टर ट्रेलर्स 2 लाख का टैक्सेबल है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स तो बोल दिया था नील। कंप्यूटर्स 2 लाख, ये भी टैक्सेबल। स्कूटर का आ गया 3,71,800। टायर्स भी 80 और फर्नीचर भी 1,40,000। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स लिख लो, है ना? तो फर्स्ट वाले पे कितना परसेंट है? 5%। तो 80,000 का 5% बताओ। 4,000 में फिर सेकेंड 12% बोल रहा है, तो 3,20,000 का 12%। नेक्स्ट ट्रैक्टर ट्रेलर्स 2 लाख, उस पर 5%, 10,000 लेंगे, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर कंप्यूटर्स 2 लाख, इस पर कितना परसेंट बोल रहा है? 12%। तो 2 लाख का 12% हो जाएगा 24,000। स्कूटर 18%, तो 3,71,800 का 18%, 66,924। फिर क्या है? टायर्स 80,000, 80,000 का कितना परसेंट? 18%, 1,00,000, सॉरी 14,400।
और फर्नीचर्स पे दिया है 18%, तो 1,40,000 का 18% 25,200, तो ये हो गया जीएसटी पेबल, ये हो गया टैक्सेबल सप्लाई, टोटल कर देना लास्ट में, क्योंकि अलग अलग इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि डिफरेंट टैक्स रेट्स थे जीएसटी के। हाँ अरे कौन ड्राइंग कर रहा है मेरी स्क्रीन पे? दीपक भटकर। देखो इसपे पर्टिकुलर, ठीक है, फिर एग्रीगेट और टैक्सेबल, मैं डायरेक्ट टैक्सेबल बताते जा रही हूं, है ना। फर्स्ट देखो, सप्लाई ऑफ व्हीट टू फार्मर्स कितने का दिया है? व्हीट देखो 6,38,000 निल रहता है, इस पे अमाउंट नहीं आता है। नेक्स्ट देखो, फिर देखो वर्किंग नोट कहाँ कहाँ दिया है। 12,000 ट्रक फ्राइड आर इंक्लूडेड इन सप्लाई ऑफ कॉटन विच आर सेपरेटली चार्ज्ड, तो कॉटन वाला पॉइंट है ये फोर्थ वाला, ठीक है, इसमें ऐड करेंगे अपन वर्किंग नोट के टाइम पे। अपार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स चार्ज सेपरेटली, तो लास्ट में ट्रांजिट वेटमेंट लोडिंग और मंडी टैक्स लगाया, ठीक है, ये अलग से चार्ज किया, तो ये वीट है ये टैक्स फ्री है। सेकंड पॉइंट है देखो राइस मिल का पल्सेस मिल्स, तो पल्सेस वगैरह कितने का है? 3,48,000 का, इस पे भी टैक्स नहीं लगता है। मेथी अनब्रांडेड पैकिंग कितना दिया है? 2,22,000, लेकिन ये टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट देखो कॉटन कितने का दिया है? 2,00,000, इस पे क्या लिखा है? इंक्लूडेड है, ट्रक फ्राइट आर इंक्लूडेड इन सप्लाई ऑफ कॉटन, मतलब कपास के प्रदाय में 12,000 रुपए पृथक से वसूल किए गए ट्रक भाड़े के शामिल है, तुम कुछ ऐड नहीं करेंगे तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल। नेक्स्ट देखो कॉटन के अलावा, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट गार्लिक किसको कर रहे हैं? लहसुन की पूर्ति, गार्लिक टैक्स फ्री कर देना इसको, कितने का दिया है देखो? 6, आप लोग लिस्ट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं अपनी कॉपी में? इसको बनाते चलना है ना। सिक्स्थ वाला देखो, फूड ग्रेन्स सप्लाइड फॉर, वो देखो कौन सी योजना के लिए? अंत्योदय, तो टैक्स फ्री कितने का? 1,60,000 का। नेक्स्ट सप्लाई ऑफ पल्सेस टू कंज्यूमर्स 1,90,000 टैक्स फ्री। सप्लाई ऑफ उड़द, देखो दाल उड़द दाल करके कुछ दिया है देखो, 4,00,000 का। ये भी दिल्ली से खरीद कर दिल्ली में पूर्ति, ठीक है, नेक्स्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो अमृतसर पंजाब से आयातित रजिस्टर्ड ब्रांड चावल, मतलब राइस, ब्रांडेड राइस है, कितने का दिया है देखो? 2,80,000, ये टैक्सेबल होगा क्योंकि ये ब्रांडेड में लिखा है। फिर नेक्स्ट देखो टेंथ पॉइंट, सप्लाई ऑफ गन्ना उत्पादक द्वारा निर्मित गुड़ की प्राप्ति कितना? 70,000, 70,000, ये भी टैक्स फ्री। सिर्फ तीन है, तीनों का टोटल करो, दो दो चार और दो छ, 80, और ये 7,02,000, ये हो गया टू टैक्सेबल। थाउजेंड प्लस ये देखो, ये अलग से जो क्वेश्चन में दिया है इंश्योरेंस ट्रांजिट का 2,400, वेट चार्जेस 3,000, लोडिंग चार्जेस 3,800, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो था उसका 13,800।
और इन सब का टोटल कर दोगे तो आ जाएगा आपका टैक्सेबल सप्लाई कितना, 7,25,000 7,25,000। और ये वाला पॉइंट देखो, 7,25,000 हाँ 7,25,000। अब ये वाला एक पॉइंट देखो इसमें, ये वाला, ये सप्लाई ऑफ उड़द परचेज एंड सोल्ड इन दिल्ली, वहीं खरीद कर वहीं पे बेच दिया, दिल्ली से खरीद कर दिल्ली में पूर्ति, तो इसकी ये एंट्री नहीं करोगे तो भी चलेगा, समझ में आया? इस एंट्री को हटा देंगे अपन। समझ में आया? यस सिलेक्ट करके रखो क्वेश्चन। कोई डाउट किसी को?